वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की और साथ के साथ बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की भी। और क्रिप्टो मार्केट के अगर हाल देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखें लेवल्स जो हैं बिटकॉइन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अभी फिर से बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है और बिटकॉइन अभी जो एक हाई लगा के आया है बिल्कुल अगर आप देखेंगे हाई पे ही चल रहा है और 21,800 का लेवल बिटकॉइन ने टच कर लिया है। 28,600-700 इस लेवल पे अभी बिटकॉइन जो है ट्रेड कर रहा है तो लेवल कहां जा रहे हैं 22,000 डॉलर के करीब जा रहे हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो काफी ऊपर आ चुके हैं। जो 17,000 डॉलर का एक लो हिट किया वहां से जो लेवल्स हैं 22,000 डॉलर पे जाने को तैयार हैं। और अगर आप इथेरियम देखेंगे जितनी तेजी से इथेरियम के प्राइस गिरे थे उतनी ही तेजी से रिकवरी भी करके दिखाई है इथेरियम ने। जी हां, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी और उतनी अच्छी रिकवरी भी करके दिखाई है और 1261 डॉलर पे। जी हाँ, 1261 डॉलर के करीब जो है इथेरियम के प्राइस चल रहे हैं। तकरीबन 98,700 के करीब जो है प्राइस आ चुके हैं, मतलब 1,00,000 के करीब वापिस आ चुका है इथेरियम और 880 डॉलर, मतलब 800 डॉलर के लेवल तक भी जो है इथेरियम के प्राइस गए थे और काफी नीचे आ गया था। काफी अच्छी रिकवरी भी दिखाई है इथेरियम ने और बिटकॉइन भी ऊपर आ रहा है। और अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात करें तो बाइनेंस कॉइन भी अगर आप देखेंगे 239-242 ये लेवल्स आ चुके हैं बाइनेंस कॉइन के और 18,000 से ऊपर जो है बाइनेंस कॉइन भी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट तो बुलिश चल रहा है, रोज क्या हो रहा है ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ से जो डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट का वो यहाँ से फिनिश हो चुका है। और बहुत सारे लोग पता है यही फोमो होता है, यही फोमो के चक्कर में ना लोग फंस जाते हैं और यही ये जो वेव्स इस टाइम पे आप देखें मार्केट को बंप कर रही है क्योंकि 1 ट्रिलियन डॉलर पे हम फिर से वापिस आ चुके हैं। और एक बार अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेल्स, ये जो मार्केट ग्रीन हमको देखने को मिल रहा है, क्या हुआ एकदम से जब मार्केट इतना क्रैश हो गया 17,000, उसके बाद मार्केट में हमको लगातार ग्रीन भी देखने को मिल गया। भले ही लेवल बिटकॉइन के धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, क्या ये एक ट्रैप है? अगर आप देखें यहाँ पे बिल्कुल मार्केट आपको एक चकमा भी दे सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिटकॉइन अभी यहाँ से सीधा 30,000 डॉलर पे पहुंच जाएगा तो शायद आप यहाँ पे गलत हो सकते हो क्योंकि बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं अभी और भी नीचे वापिस आते हुए दिख सकते हैं और मार्केट एक बार फिर से अभी आपको अच्छा खासा बॉटम दिखा सकता है, ठीक है। और ये चीज पॉसिबल हो सकती है जुलाई में, अगर बिटकॉइन नीचे आया, बिटकॉइन के प्राइस और नीचे आए 17,000 डॉलर के अलावा, उसको तोड़ के बिटकॉइन 10,000-12,000 डॉलर पे जो बात चल रही है 10,000-12,000 डॉलर का प्राइस लेवल हिट कर सकता है। और यहाँ से ये जो पंप आ रहे हैं ये टेम्परेरी पंप आ रहे हैं और इस पंप के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना आए। अगर आप देखें ये टाइम नहीं है खरीदारी करने का, खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा खरीदना है और मार्केट अभी इस टाइम पे ऊपर जा रहा है हल्का हल्का धीरे धीरे, तो ऐसे टाइम पे तो फोमो के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें, थोड़ी सी सिचुएशन का वेट करें। अब इतने दिन से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो यहाँ से मार्केट अब डुबकी भी लगा सकती है, ठीक है, उसके लिए भी आप तैयार हैं। और काफी अच्छे लेवल्स शिबा इनू ने भी हमको दिखाए 2 दिन पहले 57% तक जो है टोटल अभी तक 3-4 दिनों में ऊपर गया है और 50% की रैली दिखाई। तो शिबा इनू ने भी लास्ट 24 आवर में 1200 की सीरीज को हिट किया है और जो कि काफी अच्छा लेवल है। और 0.4x 12 की सीरीज और 0.3x 09 की सीरीज जो है शिबा इनू की चल रही है और ये कुछ प्राइस एक्शन है 5% ग्रीन में चल रहा है शिबा इनू। तो शिबा इनू को लेके भी काफी अच्छी ग्रीन भी काफी अच्छी वॉल्यूम्स आ रही हैं। और शिबा इनू को लेके सबसे बड़ा अपडेट यही है कि शिबेरियम आने वाला है, उसी को लेके यहाँ पे जो है एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर हम लास्ट 24 आवर में शिबा इनू के बर्निंग की बात करें 21 मिलियन टोकन ही शिबा इनू के बर्न हुए हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी हो रही है शिबा इनू की जो बर्निंग की है वो बहुत ही कम क्वांटिटी है, इतने टोकन जो है लास्ट 24 आवर में बर्न हुए हैं। यही कुछ करंट सिचुएशन जो है शिबा इनू की चल रही है और बर्निंग का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि बर्निंग ज्यादा हो ही नहीं रही है। और ऐसे में अगर बिटकॉइन आने वाली जुलाई में अगर डुबकी लगाता है और नीचे के लेवल दिखाता है तो शिबेरियम डिले भी हो सकता है। सबसे पहली चीज डिपेंड करता है मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है। अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा तो अगर शिबेरियम आ भी गया तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि बिटकॉइन के मूवमेंट बेहद जरूरी है। शिबेरियम और बिटकॉइन ऊपर जा रहा होगा, अच्छे मोमेंटम थोड़े दिखेंगे हमको मार्केट में, तब शिबेरियम का एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर बिटकॉइन नीचे के लेवल दिखाएगा तो शिबा इनू भी नीचे आ सकता है। जितना अगर मार्केट क्रैश होगा तो शिबा इनू का अगर शिबेरियम रिलीज करने से भी शिबा इनू पंप नहीं होगा, ये चीज आप क्लियरली समझ लो।
तो इसलिए जरूरी है कि जुलाई के अंदर क्या मोमेंटम रहते हैं मार्केट के, फर्स्ट वीक सेकंड वीक के अंदर ही कुछ हलचल हमको देखने को मिलेगी। अभी तो मार्केट थोड़ा स्टेबल हो गया 20-21 की रेंज में, ठीक है, लेकिन जल्दी नीचे का लेवल दिखा सकता है। तो यही कुछ करंट हाल है शिबा इनू के, और ज्यादा कुछ अपडेट्स शिबा इनू को लेके आज अगर आप देखेंगे ज्यादा कुछ अपडेट्स लास्ट 24 आवर में नहीं आई है, लेकिन हाँ अच्छे वॉल्यूम्स शिबा इनू के अंदर आ रहे हैं, बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये एक अच्छा सिग्नल है शिबा इनू के लिए। तो यही कुछ करंट लेटेस्ट जो अपडेट्स थी शिबा इनू को लेके, क्रिप्टो मार्केट को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीजें समझ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद जरूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहां भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।